नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। दरोगा 2446 पदों के लिए जिसका मेंस परीक्षा 29 नवंबर को हुआ, छात्र जो हैं वो मेंस परीक्षा के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी हम हैं जो बीपीएसएससी आयोग है जो दरोगा परीक्षा को ऑर्गेनाइज करती है, यहाँ पर हम आए। और यहाँ पर जब हमने पता किया तो पहले तो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि कब आएगा रिजल्ट, क्योंकि अधिकारी नहीं है जो बयान दे सके, जो बता सके, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। और ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो करें, हमें कुछ नहीं पता। बस छात्र जो है वेबसाइट देखते रहे, जब आएगा पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट भी पूछा गया मेरे द्वारा उनसे कि कोई बताएं आप इस सप्ताह, इस महीने या कब तक आएगा, तो इसके बारे में बस यही कहा जा रहा है कि आएगी, परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई सूचना नहीं मिल पाई है, यहाँ पर कोई भी बताने के कंडीशन में नहीं है कि ये रिजल्ट जो है कब तक आएगा। आपको हम बता दें कि 2446 जो दरोगा हैं इसके लिए परीक्षा, पीटी परीक्षा जो है वो 2019 के 22 दिसंबर को ली गई थी और मेंस परीक्षा 29 नवंबर को 2020 में लिया गया था। और सबसे बड़ी बात कि जो पीटी परीक्षा हुआ था उसमें लगभग 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उनका रिजल्ट 35 दिनों में दे दिया गया था। और आज 52-53 दिन होने जा रहे हैं मेंस में, जबकि 50,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। तो आपको बताएं कि जो रिजल्ट है दरोगा का, हालांकि जो रहमान सर हैं उनका कहना था कि बहुत जल्द आएगा, उनका तो ये भी कहना था कि 20 के ही लास्ट तक आएगा, दिसंबर लास्ट तक मिल जाए आ जाएगा रिजल्ट, फिर जनवरी फर्स्ट वीक हुआ। लेकिन उनके कहना अनुसार कि कुछ रोस्टर और जो कोर्ट केस पेंडिंग है, जिसके कारण हो सकता है कि रिजल्ट देर से आए। बिहार के किसी भी आयोग का कोई निश्चित मानदंड नहीं है। कभी कोई रिजल्ट आपको 5 दिन में निकाल देता है, कोई रिजल्ट आपको 7 दिन में निकालता है, कोई रिजल्ट 10 दिन में निकालता है। लेकिन ये अभी जो मेंस 2446 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट लेट हो रहा है, तो उसका कारण है कि आयोग के अनुसार उस रोस्टर मेंटेन कर रहा है, रिजर्वेशन का, कि प्रत्येक वर्ग का रोस्टर मेंटेन कर रहा है और रिजल्ट आ जाएगी, निसंदेह रिजल्ट तुरंत आ जाएगी, बहुत जल्द आएगी। आप अचानक रिजल्ट आएगी इस बात की चूंकि भनक लोगों को नहीं लग रही है, लेकिन रिजल्ट आपको अचानक आ जाएगी और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर में ही रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट में लेट होने का कारण रोस्टर है, लेकिन फिर भी आयोग को सूचना देना चाहिए छात्रों को, क्योंकि बहुत सारे छात्र विचलित अवस्था में, लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो यही अपडेट है अभी कि बीपीएसएससी जिसका 2446 दरोगा के लिए मेंस परीक्षा हो चुका है, कोई सूचना नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा। और आयोग दफ्तर में आने पर यही कहा गया है पेपर और वेबसाइट देखते रहें। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है जो भी अभ्यर्थी हैं वो पेपर और वेबसाइट को चेक करें, रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा। वैसे हम भी प्रयास में लगे हुए हैं और जैसे भी हमको भी सूचना मिलेगी या बात होगी आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे नए चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर करें।